नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यह है जामुन की गिरी। जामुन हमने खा लिया था, उसे हल्का हल्का सुखा दिया था एक दिन, और एक दो दिन सूखने के बाद से वो उसका ऊपर का जो छिलका होता है दोस्तों वो थोड़ा सा ढीला हो गया था, तो हमने उसे छील दिया और नीचे से ये ग्रीन निकली है गिरी। इसे हम पीसेंगे, पाउडर बनाएंगे। दोस्तों जामुन की गुठली को पीसने में बहुत ही दिक्कत होती है क्योंकि वो बहुत कड़ी होती है और वो पीसा नहीं जाता है। तो मैं एक ट्रिक बता रही हूँ जिसके द्वारा आप बहुत आसानी से इसे पीस सकते हैं। तो हमें हल्का हल्का सुखाना है दोस्तों, इतना ही सुखाना है, इसके बाद हम इसे पीसेंगे। दोस्तों ज़्यादा आप सुखा देंगे तो ये पीस नहीं पाएगा, बहुत दिक्कत होती है पीसने में, टाइट हो जाता है, कड़ा हो जाता है तो नहीं पीसा जाता है। तो ये हमने इतना सुखा लिया, इस गिरी को छील कर साफ कर लिया है और मैं आगे दिखा नहीं सकी जामुन की को और उसकी गिरी को छीलते समय, मैं डायरेक्ट छील कर ही आपको दिखा रही हूँ, तो आप देख लीजिए। अब मैं एक मिक्सर जार लेती हूँ और इसमें अपनी गिरियों को डाल लूँगी। इतना ही सुखाना है दोस्तों, आपको ज़्यादा नहीं सुखाना है। निशान है कि आप नाखून से कूरेदेंगे तो ये निकलेगा, मतलब नाखून से कूरेदा जा सकता है, इतना सुखाना है आपको। इसके बाद हम इसे सिंपल सा पीस लेंगे, जिस तरह से पीसते हैं, एक दो राउंड में ही बारीक हो जाएगा। हमने इसे चला लिया था दो राउंड और अब इसे चेक करते हैं। तो दोस्तों देखिए कितना बारीक पाउडर बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही अच्छा पाउडर बना है। और आप ज़्यादा सुखाने के बाद इसे पीसते तो ये नहीं पीस पाता, और देखिए कितना महीन हुआ है। दोस्तों इस तरह पीसने के बाद आपको करना क्या है कि इसे बहुत अच्छे तरह धूप में सुखाना पड़ेगा। आप इस तरह से नहीं रख सकते इसे, ये खराब हो जाएगा। लेकिन आप अच्छे से धूप में सुखा लेंगे खूब, तो ये पाउडर सफ़ेद हो जाएगा और एकदम भुरभुरा हो जाएगा, और आप साल भर तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं सूखने के बाद बहुत अच्छे से। मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि पीसने की इस तरह से पीसने पर, लेकिन मेरी बहन ने पूछा कि ये खराब हो जाता है। तो दोस्तों आप अगर अच्छे से सुखाएंगे नहीं तो ये खराब हो जाएगा। शर्त है कि आपको बहुत अच्छे से इसे सुखा लेना है, सूख जाएगा तो आप इसे चाल लीजिए, और अगर आपको मोटा लगे तो आप इसे दोबारा पीस सकते हैं। तो एकदम फाइन पेस्ट, फाइन बन जाएगा पाउडर और बहुत बारीक बनेगा, और सुखा कर आप बहुत दिन तक इसे रख सकते हैं, साल भर रहेगा, दो साल रहेगा, खराब नहीं होगा। तो आप इसे डायबिटीज में यूज कर सकते हैं। जामुन की गुठली का जो पाउडर होता है बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, तो आप, मैं उसकी दवा नहीं बता रही हूँ, मैंने बस पाउडर बनाने की विधि बताई, क्योंकि पाउडर बनाना ही सबसे बड़ा सिरदर्द होता है। तो देखिए कितनी आसानी से हमारा पाउडर बनकर तैयार हो गया। तो दोस्तों आपको ये तरीका कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। मिलती हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।